एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। सबसे पहली बात, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, 3/4, 2/5 एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे? फ्रैक्शन हमारे इस तरह से जो लिखे रहते हैं सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर जो हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि पी अपॉन क्यू, ठीक है, इसमें तीन कंडीशन होती है। रेशनल नंबर में तीन कंडीशन होती है, एक तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्यू कभी भी जीरो नहीं हुआ। क्यू क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर हमारा। क्यू क्या है? डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। और P और Q क्या होंगे? P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q क्या होंगे? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन में माइनस के नंबर भी होते हैं, नेगेटिव, जैसे -4, -3, -2, -1, माइनस के नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स। या आगे तक चलते रहते हैं, माइनस इंफिनिटी तक भी होता है, यानी कि बहुत आगे तक ये आते हैं। इधर भी हमारे इंफिनिटी तक होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स। एक बार फिर से बताऊंगी, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू यहाँ पे दो नंबर है, मतलब पी और क्यू दो नंबर है, दो इंटीजर्स है। ठीक है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू जीरो हो गया तो ये एक इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सॉरी, ये एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो इस चीज को ध्यान रखना कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू इंटीजर है। देखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव यानी कि माइनस साइन वाले रेशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले तो पॉजिटिव वाला होगा, फिर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। अब मान लो कि कोई नंबर है 2, तो ये क्या ये रेशनल नंबर है? तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 पुट करेंगे। जहां पे कोई नंबर नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहां पे हम 1 भी पुट कर सकते हैं। तो अब ये एक रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, यानी कि अगर कोई सिर्फ नंबर भी होगा ना तो वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो -2 और +2/1 दोनों ही एक रेशनल नंबर होंगे। तो ठीक है, इसमें क्या होगा? 2/3, 4/3, 5/7, 600/296, ये सारे हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। और जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं उनके आगे हमारे को प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बल्कि नेगेटिव वाले जो होते हैं उनके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, जैसे कि -2/3, -4/3, -5/7, -600/296। तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, जिनके आगे प्लस का साइन है वो, और फ्रैक्शनल फॉर्म में है वो, जिनमें जीरो नहीं है हमारा डिनोमिनेटर, होता होंगे हमारे रेशनल नंबर, जिनके आगे प्लस साइन लगा है, और जिनके आगे माइनस साइन लगाए होंगे नेगेटिव वाले। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
इसके बाद हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी रेशनल नंबर की, इस तरह से होगा वो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, अब मान लो कि हमें दिया हुआ है 24 अपॉन 240, चलो मान लो 240 अपॉन 60 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 किससे कैंसिल होगा, 6 4 24, तो इतना आ गया ये 4। अब हम इसे सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेशनल नंबर है, हम इसे लिखेंगे 4 अपॉन 1, यानी कि जो एक सिंपल नंबर है ना उसके नीचे हमें 1 लगा देना है, तो फिर वो रेशनल नंबर की फॉर्म में हो जाएगा। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p अपॉन q, ठीक है, इसमें q0 नहीं होता, तो तभी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको आप डिवाइड करके और इजीएस्ट फॉर्म में इसको हमें छोटी नंबर्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये 75 है अपॉन 100, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करके हमारा सारा कितना बनेगा, 3 अपॉन 4, 5 के टेबल से आप इसे कैंसिल करते हैं और फिर आगे भी आप कैंसिल करते हैं इसको, तो फिर कितना होगा ये 3 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे क्या होगा, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या होता है अपने, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेशन। अब कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपस में, उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में दोनों 2/5 भी एक रेशनल नंबर है, 1/6 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इनके बीच में प्लस साइन है, इनकी हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसको तो हम पहले सबसे पहले समझो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है। जो ये ऊपर लिखा हुआ है इधर, ये न्यूमरेटर है, इसमें भी न्यूमरेटर है, और जो नीचे की साइड लिखा हुआ होता है ये होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ये न्यूमरेटर होता है, ये होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, एन और डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 6, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब देखो इसको कैसे हुआ, 5 और 6 का एलसीएम, सबसे पहले 5 बन जा 5, 6 तो नहीं जाएगा, 6 को ऐसे लिख दो, फिर 2 3 6, 3 1 3, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 3 30, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम मिल गया। अब एलसीएम मिलने के बाद क्या करेंगे हम, देखो कैसे हो गई, एलसीएम हमारा आ गया 30, तो हम पूरे ऐसे लाइन खींच के आ गए 30 लिख। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 5 है,
फाइव से डिवाइड करना है 30 को, तो 30 को अगर डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। अब जो आंसर आया है डिवाइड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से एलसीएम ले लिया हमने 5 और 6 का, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर है जो 5 उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो कितना आया 6, क्योंकि 5 6 ज्यादा कितना होगा 30, तो आंसर कितना है हमारा 6, ठीक है। तो 6 को अब हम न्यूमरेटर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 6 ये है अपना आंसर एलसीएम को डिवाइड करने के बाद, और 2 क्या है न्यूमरेटर, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब वापस से हम क्या करेंगे, इधर हमारा क्या है डिनोमिनेटर 6, अब हम 30 को किससे, एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, 30 एलसीएम है इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 5 30 5 आया। अब इस 5 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी के न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को डिवाइड ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड, ठीक है। अब क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में 2 6 12 प्लस 5 1 5 अपॉन 30, ठीक है। अब 12 प्लस 5 कितना हुआ 17 अपॉन 30, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 17 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 17 अपॉन 30। अब हम करेंगे एक और एग्जांपल एडिशन का, जिसमें हमारे पास कोई एक डिजिट या फिर दोनों डिजिट माइनस साइन के साथ होगी, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि इसमें एक या एक से ज्यादा यानी कि दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, तो हमारे पास ये वाला नंबर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि इसका माइनस का साइन है 7, माइनस का इधर है माइनस 7 अपॉन 20 प्लस 7 अपॉन 3, यानी कि एक नंबर तो हमारा है पॉजिटिव साइन वाला और एक नंबर हमारा नेगेटिव साइन वाला, और इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है यानी कि हमें इसे ऐड करना है। हम अभी कौन सा वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन। रेशनल नंबर के 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, तो 20 और 3 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम निकाला हमने तो कितना आया 60, ठीक है। एलसीएम ऑफ 20 एंड 3 इज 60। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलसीएम को हम नीचे डिनोट कर देंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहां देखो 60 अपॉन 20 ये हमारा एलसीएम, उसको हमने पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया कितना आया 3, ठीक है। अब 3 आया, जो हमारा डिवाइड करने पे आंसर आया है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद में क्या आएगा, ये 3 है, अब हमारा यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर, फिर हम क्या करेंगे 60 को 3 से डिवाइड करेंगे इस बार, तो डिवाइड करने पे कितना है हमारा 20 आंसर। अब इस 20 को हम न्यूमरेटर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक बात ध्यान देना कि जिसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो उसी के न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे, हमने यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 3 के ही न्यूमरेटर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। तो इधर देखो, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय +3, ठीक है। तो कितना होगा 7 3 21 और माइनस, तो ये माइनस का 21 हमारे पास आ गया, बीच में प्लस का साइन था 7 2 14 और 0 140 आ गया, हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको 119 आया, साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि 140 बड़ा है 21 से, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 119 अपॉन 60, ठीक है। तो अब हमारा ये सेकंड टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन हमने एडिशन सीखा, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 अपॉन 3 -3 अपॉन 8 है, यानी कि माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
सबसे पहले बिल्कुल ये एडिशन की तरह होगा, बस इसमें माइनस का साइन आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम एडिशन की तरह एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम 24 आया, फिर हमने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करके फिर ये आ गया हमारा 8 × 4 −3 × 3, 8 × 4 = 32 और 3 × 3 = 9, तो 32 − 9 हमारा है 23/24। अब एक सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम इसी टॉपिक के बारे में, जिसमें एक में साइन हमारे कुछ अलग होंगे, जस्ट हैव अ लुक। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसमें क्या है, −2/9 −7/6। अब देखो इधर बीच में इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, और ये जो 2/9 है ये क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। हमने नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़े थे, तो ये दोनों ही क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। तो अब 9 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर है क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आ गया 18, ठीक है। अब 18 हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर पर। अब क्या करेंगे, 9 को 18 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आया, 9 × 2 = 18, 2 बचा, तो −2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने −2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। अब माइनस का साइन था पीछे, माइनस का साइन लगाया है। उसके बाद 18 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, 6 × 3 = 18, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 × 2 = 4 होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, तो यह माइनस का साइन है। अब 7 × 3 = 21, तो ये 21 आ गया, ऐसे ही सॉल्व करके हमारा आ गया −25/18, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे थर्ड ऑपरेशन, यानी कि थर्ड टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि अब हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें कई सारे कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमारे पास सिर्फ कोई नंबर दे रखा हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, उसके नीचे 1, ठीक है। तो हमने 4 के नीचे क्या अज्यूम कर लिया, 1। अब हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब 4 और −1 जो है ये दोनों न्यूमरेटर है, ठीक है, और 1 और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। तो हमने 4 और −1 को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 और −3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखो 4 × 1 = 4 और साइन किसका आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, −4/3। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा, हमने 3 के नीचे का सपोज कर लिया 1, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल नंबर ही था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वीडियो में। फिर उसके बाद में क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो −4 × −3, तो 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 5 × 1 = 5, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आएंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे अपने, इसमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, −3/2 और −9/7, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, तो 27 किसका आएगा, प्लस का आएगा, या मैंने माइनस लगा दिया, उल्टी से माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 27 और 7 × 2 = 14, तो उसका आंसर आ गया 27/14, ठीक है। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि हमारा फोर्थ और लास्ट ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, हमारा है ये फोर्थ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसको समझने से पहले पहले हम समझेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो इधर देखो 5/2 हमारे पास तो ये फ्रैक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो इसमें डिनोमिनेटर है वो हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई नंबर है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a, उल्टा हो गया। अब जैसे कि
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, थ्री है कोई नंबर, हमें बोला है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ थ्री, यानी कि थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, इसके नीचे हम वन सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखो हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने का तरीका, तो मैंने इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे हमारे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ होगा ए अपॉन बी, यानी कोई रेशनल नंबर दिया हुआ होगा ए अपॉन बी, उसको हमें सी अपॉन डी से डिवाइड करना होगा। ये ए बी और सी यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या होगा, ए अपॉन बी एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डिवाइड विद मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ सी अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ सी अपॉन डी क्या होगा, इसका अपोजिट, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी, यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। अब हमने जैसे मल्टीप्लीकेशन सीखा था उससे हम इसको कर सकते हैं। अब बात ये हो गई कि इसमें मल्टीप्लीकेशन कहां से आ गया, जब ये डिवाइड था, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसी तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। डिविजन में मल्टीप्लीकेशन का यूज आता है हमेशा। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो माइनस सेवन अपॉन टू को हम डिवाइड करेंगे फोर से, तो हमने फॉर्मूला किया था ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, जिसमें हमें सी अपॉन डी का रेसिप्रोकल निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें हमारे पास फोर का डिनोमिनेटर क्या होगा, वन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर हम वन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोर क्या होगा हमारे पास, वन अपॉन फोर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, ध्यान देना मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, माइनस सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर, फोर अपॉन वन का रेसिप्रोकल हो गया वन अपॉन फोर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, आंसर आ गया हमारा माइनस सेवन अपॉन एट। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा, इसमें फाइव डिवाइड बाय नाइन, सॉरी फाइव अपॉन नाइन डिवाइड बाय माइनस फोर अपॉन फाइव, तो इसमें माइनस फोर अपॉन फाइव का रेसिप्रोकल क्या है हमारा, माइनस फाइव अपॉन फोर, ठीक है। हमने यहाँ प्लेस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव आएगा, नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू आएगा, तो माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स, सॉरी थर्टी सिक्स आएगा, तो माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।